और यार आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ डक्की भाई के एक फ्रेश वीडियो पे जिसका टाइटल है पाकिस्तानी इंटरनेट रैंट। यार हम सबको पता है कि डक्की भाई का इंटरनेट सही से काम नहीं करता, इसके लिए वो एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल करके उसे रोस्ट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद एक दो वीडियो और थी जिसमें वो अपने राउटर को तोड़ते हुए दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा, कुछ अलग हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं। एरविगा तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे अपने पाकिस्तान के आईएसपी की। अब आवाम ज्यादा 3.5 जीबी वाली बैठी हुई है, तो मैं बता देता हूं कि आईएसपी होती क्या है। तो भाई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली पैन छक्की लगाए बगैर सीधे सीधे अल्फाज में आईएसपी उस कंपनी को कहते हैं जो तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, जैसे अपना जोंग हो गया, पीटीसीएल हो गया वगैरह वगैरह। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ये दुनिया करप्ट लोगों से भरी पड़ी है जो तुम्हारी गंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ती, वैसा ही हाल हमारे आईएसपी का है। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की, और जितनी बड़ी ये कंपनी है उतने ही बड़े ये लोग चूहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीटीसीएल की। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि पीटीसीएल पाकिस्तान की सबसे बकवास तरीन गंदी मकरूह घटिया आईएसपी है जो तुम्हारी अलग अलग जगह से फुद्दू काटने में मसरूफ है। अगर इनकी सर्विस की बात की जाए तो ये लोग 1600 रुपए में 2 MB देते हैं, मतलब 1600 का महीना पूरा मोबाइल पे 4G समेत अनलिमिटेड SMS समेत अनलिमिटेड कॉल समेत मिल जाता है यार। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर इनके रेट ज्यादा है तो इनकी सर्विस बेहतर होगी, लेकिन नहीं, इनकी कस्टमर सर्विस इतनी लो है कि अगर तुम इनके हेल्पलाइन कॉल करते हो तो पहले 10 मिनट तो तुम्हें इनके गाने और इश्तेहार सुनने को मिलेंगे। बीच बीच में ऑटोमेटेड लड़की बोल देगी, इस वक्त तमाम नुमाइंदे दूसरी कॉल पर मसरूफ हैं, ब्राय मेहरबानी इंतजार फरमाइए। तो बहन बंदे हायर करो ना। खैर, इनके कॉल उठाने के बाद जब तुम इनसे अपने नेट के बार बार बंद होने का रटीन होना रोते हो, तो तुमसे जान छुड़वाने के लिए तुम्हें ऐसे जवाब देते हैं जैसे तुम कोई प्राइम मिनिस्टर के पुत्र होते हो। कतई चाटने लग जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें बोलेंगे कि भाई कल फर्स्ट प्रायोरिटी में काम हो जाएगा तुम्हारा। और यही फर्स्ट प्रायोरिटी वाली बात ये लोग पिछले 1500 लोगों को बोल चुके होते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि अगले 48 आवर तक हमारा नुमाइंदा आपके घर पहुंच जाएगा, बस आगे भूल जाओ। बैंड महीना गुजर जाता है लेकिन कुछ नहीं होगा। पता नहीं कौन सी सस्ती पंग पी के बैठे होते हैं ये लोग एक्सचेंज। अबे पिशावर से आने का थोड़ी बोल दिया, घर से 5 से 10 मिनट दूर एक्सचेंज होता है इनका, लेकिन आएगा कोई नहीं। कहने का मतलब ये है कि इनकी कस्टमर सर्विस कतई एल है। पैसे ज्यादा लेते हैं, इंटरनेट फारी प्रोवाइड करते हैं, और फिर कोई मसला आ रहा है तो एल पे चलाते हैं। स्कैम है एक नंबर का पीटीसीएल। अब वैसे तो बहुत ज्यादा आईएसपी है बाकी बची हुई, लेकिन एक और आईएसपी है जो सही बताऊं तो इन पीटीसीएल वालों से भी थकी हुई है, वो है वाइट ट्राइब। इन्होंने आज का रोला डाला हुआ है 4.5G का। इनका कहना है कि इनकी स्पीड 4G से बेहतर आ रही है। भाई 200 MB तक स्पीड जाती है इनकी, ये 4.5G देखना इनका जरा। अबे तो 3G से भी खराब है। अब ये वाइट ट्राई वालों ने इश्तेहार भरा भरा चढ़ा के दिया होता है कि भाई पाकिस्तान का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट, भाई तुझे पीटीसीएल ने मेरा गैंग बैंग करना शुरू किया होता तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं इन्हें। अब मैं ये लगवा बैठा, पहले तो राउटर इन्होंने मुझे थका हुआ ला के दिया, गोरमे के शॉपर में डाल के लेके आया, बंदा मट्टी से भरा हुआ। भाई चलो नया राउटर नहीं देना ना सही, लेकिन कपड़े से साफ तो करो ना यार। खैर जब बंदा लगा के चला गया तो कहता 3 से 4 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा 9 बजे तक। अब मैं यहाँ पे एक्साइटेड तरीके से उछल रहा हूँ कि भाई 200 MB पे 4.5G लगाएंगे, गेमिंग में डाउनलोड करेंगे। फिर जब मैंने ट्राई किया तो लानत दी, ये अपना फटीचर सीएल से भी एल निकला। मैंने इनके हेल्पलाइन कॉल की कि भाई 50 KB से ज्यादा ऊपर स्पीड जाए नहीं रही, तो आगे से कहते हैं कि भाई राउटर को छत पे लेके जाएं। भैंड कंप्यूटर मेरा नीचे फर्स्ट फ्लोर में पड़ा है, राउटर को मैं छत पे रख दूं भाई? खैर छत पे कोई बिजली की पोर्ट नहीं थी तो मैं दुकान से लंबी सी एक्सटेंशन बनवा के रख दिया मैंने राउटर छत पे। स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा स्पीड देखने के लिए मुझे खुद छत पे जाना पड़ता था क्योंकि नीचे तक सिग्नल ही नहीं आते थे। खैर मैंने इनसे रिफंड मांगने के लिए कॉल की तो कहते कि आप राउटर हमारे दफ्तर दे जाएं, रिफंड मिल जाएगा। अब मुझे लगा कि मैंने कॉल करके अपना कनेक्शन कैंसिल करवा दिया। तीसरे दिन जब मैं रिफंड लेने के लिए इनके दफ्तर गया तो कहते कि आप 16 घंटे लेट हो गए, पैसे वापस ही नहीं दिए। ये क्या था यार, 3600 इंडिया के कितने हुए, 2000 के करीब, 2000 बहुत होते यार। घर वापस आ गया, राउटर इनका लवारिस पड़ा रहता है, अब टूटेगा टूटेगा। अब आ जाते हैं इन 4G पे, ये जोंग शोंग टेलीनॉर वगैरह, इनकी स्पीड भी ठीक है, कस्टमर सर्विस भी ठीक है, बस एक चीज जो बकवास है वो ये है कि अनलिमिटेड नहीं है। 1800 रुपए में 12 GB पर मंथ दे रहे हैं यार, इतनी 2 दिन में मुक जाती है। अब यहाँ पे भी दो तरह की पाकिस्तानी आवाम आती है, एक वो जिनकी बस फेसबुक और व्हाट्सएप चल जाए उसी पे खुश रहते हैं, फ्री टाइम में मुजरे वगैरह देख लिए, व्हाट्सएप पे पॉर्न मंगवा लिए और बस, इससे ज्यादा इनका नेट का यूज होता भी नहीं है। फिर वो आवाम जिनको पूरे घर पे पूरी फैमिली के लिए नेट चाहिए होता है, जिनमें से फेसबुक वाले भी आते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वाले भी आते हैं, मूवीज डाउनलोड करने
वाले भी आते हैं, ऑनलाइन गेमें शेमें खेलने वाले भी आते हैं, HD ब्रेसेस की कलेक्शन कलेक्ट करने वाले भी आते हैं, उनके लिए जोंग शोंग और 4G वगैरह जरा भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम अकेले बंदे हो जिसका थोड़ा थोड़ा नेट का यूज होता रहता है, वो ये जोंग शोंग टेलीनॉर जैज वगैरह लगवा सकता है, कोई पंगा ही नहीं है यार। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर सारी ISPs बकवास हैं तो फिर अच्छी कौन सी है। तो भाई फुल खज्जर खवाड़ी के बाद, सारी टेस्टिंग करने के बाद, अगर कोई बेस्ट ISP पाकिस्तान में है तो वो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है भाई, जो मर्जी कह लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग फाइबर परफेक्ट है, लेकिन अगर तुम बाकी पाकिस्तानी ISP से कंपेयर कर दो तो स्ट्रॉन्ग फाइबर कोई लाख गुना बेहतर है भाई। देखो 3800 पर मंथ में तुम्हें 30 MB फाइबर कनेक्शन देती है, और ये 30 MB ही देती है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 आ रही होगी तो कभी 3 आ रही होगी PTCL की तरह। एक और जगह ये PTCL वाले तुम्हारे साथ स्कैम करते हैं, वो ये है कि तुम्हें पैकेज के अंदर यही बताएंगे कि तुम 10 MB का नेट यूज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम स्पीड टेस्ट करते हो तो 10 MB के नेट भी 1 MB से ज्यादा अपलोड आती नहीं है। पता नहीं अजीब पॉलिसियां रखी हुई है इन्होंने, इनको पता है कि पाकिस्तानी आवाम को पागल बनाना बड़ा आसान है, तो अपलोडिंग को डाउनलोडिंग का चौथा हिस्सा कर दिया, और ये बात पूरे वेबसाइट पे मेंशन ही नहीं की हुई। जबकि अगर तुम स्ट्रॉन्ग फाइबर की वेबसाइट पे जाते हो तो तुम्हें सीधा सीधा बताते हैं कि 30 MB की डाउनलोडिंग है और 30 MB की अपलोडिंग स्पीड है। तो बेस्ट पाकिस्तान इंटरनेट की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फाइबर ही है। मैंने खुद अपने घर इसलिए नहीं लगवाया हुआ क्योंकि जहां पे मैं रहता हूं वहां पे ये बैरिया वाले अलाउ ही नहीं कर रहे, लेकिन दोस्त के घर मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर के साथ दिन गुजारा हुआ है, और यकीन मानो जिंदगी आसान है भाई। और मैं पहले ही बता रहा हूं कि मुझे स्ट्रॉन्ग फाइबर के टट्टी चाटने के किसी ने पैसे नहीं दिए। मुझे पता है ना तुम लोगों ने शुरू हो जाना है। नहीं भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और जितने लोगों ने टेस्ट किया हुआ है वो मेरी बात पे एग्री करते भी होंगे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ यार, थोड़ा 10 MB लगवाओ यार नेट उस पे। और वैसे भी अपनी डक्की भाई टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाला, अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम्प्लेन पिलाए। न्यूज़ नहीं लेता मैं, जहाँ भी सांप होता मैं रेडी, पंगा नहीं लेना बन टाइम ना बात मरना, बात बढ़ जाए फटाफट सारा साथ, चार दिन वाला सेम मुझे कोई शौक नहीं, ये हिप हॉप है स्टाइल मेरा महंगा, ऊपर से मुझे कोई लेबल का रूप, मेरे गाने सारे आते मेरे सड़क। यार इस वीडियो को मैं रोस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ डक्की भाई अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो अलग अलग ISP पे निकाल रहे थे। यार जब भी आप इंटरनेट वालों से पूछो कि भाई यार कितने का स्पीड मिलेगा, तो जरूर बोलेंगे 128 MBPS, 64 MBPS, लेकिन भाई वो नहीं होता जो वो बताते हैं। वो जितना बता रहे हैं डिवाइडेड बाई 8 करो, जितना आता है अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड उतनी ही होगी। और ये जो बोलते हैं ना कि डाउनलोडिंग स्पीड मेरा 128 MBPS है, भाई वो एक्चुअली में ना 16 MBPS होता है। तो यहाँ पे लोग गेम खेल जाते हैं बैंडविथ को डाउनलोडिंग स्पीड बता के। यार मुझे लगा था कि वीडियो में राउटर शाउटर टूटेगा, गाली गलौज होंगी, कस्टमर केयर को फिर से कॉल किया जाएगा, फिर से उनके मज़े लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन था डक्की भाई का, वो वीडियो में बाहर आ रहा था। भाई ने कंपनी का जिक्र किया जो यार 1800 में 12 या 15 GB डेटा देती है, तो भाई उतना तो यार 3 दिन का डोज है, 3 दिन में नहीं है, 2 दिन में उतने यार चले जाते हैं, 1 महीने आदमी कैसे यूज करेगा, वो भी इतना महंगा, मतलब थोड़ा तो यार कम करो प्राइस, मतलब प्लीज़। अगर इंडिया की बात करूँ तो जियो सबसे बेस्ट है, और जियो वालों ने यार मुझे कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन यार उनका जो पैक है 700 वाला, 700 में 1 महीना 5 GB 4G स्पीड, 7-8 MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग 4-5, और 1 महीने के लिए, मतलब वो 700 में 150 GB 4G देते हैं फुल स्पीड पे। उसके बाद आप 150 GB यूज कर लो तो फिर वो घट के 128 KBPS रह जाता है। तो यार ये पैक सबसे बेस्ट है और मैं यही यूज़ करता हूँ, तो यार डेटा का टेंशन कभी नहीं होता मुझे, क्योंकि यार 5 GB एक दिन में बहुत होते हैं। इस पे ईस्ट इंडिया कॉमेडी ने एक सॉन्ग भी बनाई थी, मोदी सॉन्ग, उसमें एक अंतर है मेक इन इंडिया। तो यार मुकेश अंबानी, उनके घर का नाम एंजेला है, और पहले एक साल उन्होंने 4G फ्री ही कर दिया था, पूरे इंडिया में 4G फ्री। तो यार वो भी क्या जमाना था, दवा के सब यूज करते थे, रोज 4 GB डेटा फ्री में यूज करो। उसके बाद जनाब ने चार्ज किया, ऐसी लत लगा दी है फ्री डेटा की कि यार अब सभी लोग जो हैं, जितने भी दूसरे कंपनीज हैं, दूसरे ISP है, वो सब एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं ताकि यार जियो को टक्कर दिया जा सके। लेकिन बस एयरटेल के अलावा और कोई दूसरा दिख नहीं रहा मार्केट में जो कंपीट कर सके जियो के साथ। तो यार आप कौन सा ISP यूज करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, एम करते हैं कम से कम 1000 लाइक्स की। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये रेम इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर लें। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।